अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी हैदराबादी चिकन का खुरमा। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, तली हुई प्याज ले लेंगे, ये खोपरा है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून तिल और 1 टेबलस्पून फली, और ये 10 बादाम है। क्यों बोले तो ये जो खोपरा, फली, तिल रोस्ट करके पाउडर बनाकर रख लेंगे। इस तरीके से रख लेने से क्या है, बहुत सहूलत रहती, आप लोग साबित भी भून कर पीस सकते हैं। चलिए अब 1 किलो चिकन ले लेंगे। चिकन को अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करके चंद मसाले ऐड करेंगे, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे। अब इन सब मसालों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे चिकन में मसाला मिक्स हो जाए। इस तरीके से पूरा मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से मिल जाना है पूरे चिकन में मसाले। चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक साइड रखेंगे। एक साइड रख लूँगी मैं, 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को मसाला पूरा लगाकर। अब जो तले थे प्याज, वही ऑयल है, उसमें थोड़ी सी प्याज भी रख दी मैं। अब वो ऑयल और प्याज है, ये काली मिर्च और शाजीरा, लौंग, इलायची, चकला। अब ये खड़े मसालों को ये ऑयल में ऐड कर देंगे, फ्लेम ऑन कर दी मैं। फ्लेम ऑन कर देंगे साबित मसालों के बाद, ये जो मैरिनेशन के लिए रखे थे चिकन को मसाला लगाकर, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेना है, हाई फ्लेम पर ही फुल भूनेंगे ताकि जो इसकी स्मेल रहती है वो चली जाए। तब तक भूनेंगे। इस तरीके से भून कर बनाइए, 5 मिनट्स तक इस तरीके से ही भून ली मैं। इस तरह से भून लेंगे। अब इसके बाद जो मसाला बताई थी मैं आप लोग को, थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाला पीस कर रख लिए, सो ऐड कर देंगे इसमें प्याज और फली, तिल, खोपरा और बादाम। ये थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लेंगे मसाले को, अब इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। चलिए अब ये मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये चिकन में पूरा मिक्स हो जाए। तब तक मिक्स करेंगे। आप लोग एक बार बना कर देखिए, बहुत टेस्टी चिकन खुरमा बनकर रेडी होता। इस बेस पर क्या करना है, 100-200 ग्राम दही ऐड करेंगे। एकदम लो फ्लेम रखकर दही ऐड कीजिए। 200 ग्राम दही ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम रख के दही ऐड कीजिए, नहीं तो फट जाता दही। हाई फ्लेम रख कर ऐड करें तो देखिए इस तरीके से ऐड करने से पूरा मिक्स हो गया बराबर मसाले में। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके, देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। अब इसको मसाले की कच्ची स्मेल गए तक इस तरीके से कवर करके छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। चिकन और मसाला अच्छे से भून लेना है। इस बेस पर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे, आधी आधी मुट्ठी जितना, और बाद में भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। चलिए अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके कवर कर दूँगी मैं, कवर करके चिकन गलने के लिए छोड़ देंगे। चलिए 10 मिनट के बाद देखेंगे इस तरह से हो जाना है, जो मसाला और चिकन परफेक्टली अच्छे से गल गया और जो स्मेल रहती मसाले की कच्ची स्मेल वो भी चले गई। ऑयल सेपरेट हुए तक इस तरीके से भूनेंगे। इस बेस पर 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ी सी कट लगाकर, जो मैं नींबू बना कर रखी थी। देखिए इस तरीके से नींबू को आइस में, आइस क्यूब्स बना कर रखी थी मैं नींबू के जूस का, इस तरीके से 1 क्यूब्स डाल देंगे और थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ी सी पुदीना ऐड कर देंगे। 1 नींबू के रस का जो क्यूब्स है वो ऐड करने से खटास आ जाती। अगर आप लोग को 2 क्यूब्स ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। खुरमा आप लोग को जितना रखना है उतनी क्वांटिटी देकर पानी शामिल कीजिए। चलिए अब इसको हाफ कवर कर देंगे, यानी पूरा ऊपर तेल आ जाना है, तब तक हाफ कवर कर देंगे और थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। देखिए दम हो गया हमारा, चिकन खुरमा बनकर बिल्कुल रेडी है।
कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप लोग के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा गाढ़ा या पतला रखना है तो इस बेस पर पानी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसको सर्व कर सकते हैं आप लोग बघारे खाने के साथ, या नहीं तो रोटी से भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इस तरह से ही न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।